नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 28 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है मार्ग मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है रात्रि दस बज करके छह मिनट तक इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वैधृति योग तैतिल करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के पच्चीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के सात मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो आज भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र भी आपको आज मैं दिव्य महाप्रयोग में बताने वाला हूं तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि में है मंगल का संचरण तुला राशि में है तो वहीं सूर्य बुध और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं शुक्र राशि में है शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गुरु चंद्रमा का आमने सामने का सीधा संबंध गज केसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में हो रहा है तो देखा जाए तो वहीं शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट और आज रविवार का दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है छुट्टी का दिन कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आज आपको करना है और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आज आपको बचना है कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं तो आज भुवन भास्कर की ही आराधना होती है उससे केवल दिन नहीं सप्ताह श्रेष्ठ हो जाता है तो श्रेष्ठ करने के लिए भुवन भास्कर की आराधना करिए तो यह है ग्रहस्थिति इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर चले लेकिन उससे पूर्व आपको एक सूत्र बता देता हूं कि यदि कुंडली में बलवान लग्नेश कैसे बलवान हो तो अंश बल से बली हो स्वगृही हो उच्चके हो वर्गोत्तमी हो यानी किसी भी तरह से देखा जाए तो लग्नेश बलवान हो और ऐसे लग्नेश जन्म कुंडली में जो भी मारक ग्रह हैं जिसे जन्म कुंडली के मारक भावों को तो आप जानते हैं द्वितीय और सप्तम को मारक भाव कहा गया है तो मारकेश भाव ग्रह पर दृष्टि डाले या आपकी जन्म कुंडली में जो जो ग्रह अकारक है ऐसे ग्रह पर अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए कि मार्केश का जो भी दुष्प्रभाव है या आपकी जन्म कुंडली में जो भी पाप ग्रह हैं, जो अकारक हैं जन्म कुंडली के शुभ प्रभाव में कमी लाते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे मार्केश के दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी और ऐसा मार्केश या अकारक या पाप ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में बुरा फल तो नहीं ही देगा या तो सामान्य फल दे या शुभ फल देने वाला बन जाता है यहां एक बड़ा विचारणीय तथ्य है कि मान लिया जाए कि कर्कलग्न की कुंडली है कर्कलग्न की कुंडली में चंद्रमा बलि है और ऐसे बलि चंद्रमा की दृष्टि मान लिया जाए कि मारक शनि पर पड़ रही है तो क्या शनि का मारकत्व तो समाप्त तो हो जाएगा जवाब है जी तो फिर विषयोक्त तो होगा ही बिल्कुल होगा निसंदेह जातक को थोड़ी मानसिक जब भी जन्म कुंडली में कोई विशेष दुर्योग का समन लग्नेश अपने प्रभाव से करेंगे कोई शुभ ग्रह अपने प्रभाव से करेंगे तो सीधी सी बात है उनकी शक्ति में थोड़ी कमी तो आएगी शक्ति का ह्रास होना जब आप अपने बल का विभाजन करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में तो बल में थोड़ी कमी तो आ ही जाएगी धन का विभाजन करेंगे तो धन में थोड़ी कमी तो आ ही जाएगी तो लग्नेश का प्रभाव मार्केश के मार्कत्व को कम करने में जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी कमी आएगी तो मानसिक अशांति चंद्रमा मन है तो मन से संबंधित थोड़ी परेशानी रहेगी लेकिन जहां शनि प्रबल मार्केश बनकर के कुंडली को कमजोर कर सकते थे या मार्केश बनकर के मार्कत्व प्रभाव में और उनके ऐसी स्थिति होती कि जा को नुकसान पहुंचाते वहां पर यह चंद्रमा अगर ऐसे शनि पर दृश्य डाल दें तो निसंदेह बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और अब पात्र में जल आपने लिया हुआ है हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए अपने गुरु का ध्यान करिए त्रिराचम्य तीन बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ धो लीजिए अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए और फिर एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं आप आज्ञा प्रदान करें जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं दाहिने हाथ में जल लीजिए बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में एक जल है अभिमंत्रित हो गया इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं अब जबकि आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है अब आपको सबसे जरूरी काम करना है प्राणायाम करना है रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं प्राणायाम की विधि जो लोग नहीं जानते या जो लोग फेसबुक पर इस राशि फल को देख रहे हैं वो यूट्यूब पर आकर के ही इस लिंक पर आ जाएं प्राणायाम की संपूर्ण विधि यहां आपको मिल जाएगी अब आपने जबकि प्राणायाम कर लिया दाहिने हाथ में जल लीजिए बाईनासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए मन ही मन ही कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं कायिक वाचिक मानसिक वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते जाइए जब तक कि आप श्वास छोड़ते हैं छोड़ सकते हैं इस जल को बिना देखे बाई और फेंक दीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए ओम ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए आसन पर बैठ जाइए अब आप गायत्री मंत्र का जब करिए ग्यारह इक्कीस इक्यावन एक सौ आठ जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो अभी तक अगर भास्कर की आराधना से आप किसी भी प्रकार से वंचित हैं तो आज से अभी से भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है अब चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और देखा जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण भी उन्होंने कर रखा है सूर्य की राशि में संचरण करते हुए आज आपको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहित करेंगे घर का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है या यूं कहें कि संतान को लेकर के कोई चिंता थी संतान से संबंधित चिंता थी तो वो चिंता दूर होने वाली है दिन बढ़िया जाने वाला है छुट्टी का दिन आनंद के साथ बीते बीतेगा फलस्वरूप एक ऐसी ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा कर सकते हैं अगर कोई समस्या है कोई परेशानी है तो उसे सुलझा सक सकते हैं दिन आपका हर तरह से शुभ है कारोबारियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है सहयोग मिलेगा लाभ होगा कोई बात किसी से कहना चाहते हैं तो आज कह सकते हैं मन की बात कहने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी से अगर कोई चिंता कोई मतभेद या किसी बात को लेकर के कोई शिकायत है आज जरूर समझाइए बात करिए विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा सीनियर से सहयोग मिलने वाला है सफलता के लिए दिन आपके लिए भी अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं विशेषकर एसिडिटी या पेट जन्य रोग से ग्रसित आप रहते हैं तो आपको राहत मिल जाएगी लकी अंक आपके लिए आज पाँच है लकी कलर आपके लिए आज पीला और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना दिन को शांति से निकालने की आज कोशिश करनी है वैसे तो शुक्र के नक्षत्र में है दिन बढ़िया है पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है परिवार का सहयोग मिलेगा और घर परिवार के मध्य आज उत्सव समारोह के जैसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है यानी घर में कह सकता हूँ कि आनंददायी बीतने वाला है दिन व्यापारियों के लिए भी व्यापार में बढ़िया रहेगा कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं शुरू कर सकते हैं मेहनत से बस पीछे मत हटिए मेहनत करते जाइए सफलता मिलेगी व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त आपको होने वाला है इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि परिवार का कोई बड़ा सदस्य कुछ कहे तो उसकी बात को आप मानिए कहीं भी रहिए अपना संबंध किसी के साथ खराब मत करिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत दिनों से कोशिश करते चले आ रहे थे तो समझ लीजिए वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है जोड़ों में दर्द से अगर परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पिंक है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी बात मिथुन की करें तो चंद्रमा का राशि से तृतीय होना बहुत बढ़िया है दिन छुट्टी का दिन लेकिन आपके लिए लाभप्रद जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं जो भी सप्ताह भर के बाकी काम थे उन्हें आप पूरा कर सकते हैं किसी से मुलाकात करने के लिए कोई बड़ी डील करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें तो पूरा करिए ही घर के सामानों की मरम्मत करना घर परिवार के लिए खरीददारी करना घर परिवार के साथ कहीं घूमने जाना आज हर वो काम करिए जो आपके परिवार के लिए जरूरी है व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है व्यापार में लाभ मिलने वाला है मिथुन राशि के जातक आज क्रोध न करें किसी पर भी प्रेम संबंध में मजबूती आएगी दाम्पत्य जीवन में चल रही कोई अनबन इत्यादि थी तो वो खत्म होगी दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी लकी अंक छह लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात कर करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय होना शुक्र के नक्षत्र में संचरण रहे चंद्रमा सूर्य की राशि में गुरु की दृष्टि से दृष्ट धन प्रद बने रहने वाले हैं आपके लिए बल्कि कहीं रुका हुआ पैसा था उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए पैसा मिल जाएगा दिन आज का आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है छुट्टी का दिन लेकिन आपके लिए लाभप्रद ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे बच्चों के साथ परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और इसके चलते आपको खुशी मिलेगी भविष्य से संबंधित योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा लाभ देने वाला है व्यापार में लाभ रहेगा आज के दिन को आप किसी भी तरह से व्यर्थ न गवाइए परिवार के मध्य अगर कोई टेंशन है कोई चिंता है कुटुंब के मध्य अगर किसी बात को लेकर के कोई चिंता है कोई पिछले दिनों की छूटे छोटे जो भी आपके काम थे यानी जो भी रह गए काम थे जो पूरा आप नहीं कर पाए थे उन्हें ही पूरा करिएगा यानी समय को व्यर्थ किसी भी तरह से नहीं करना प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन प्रेम संबंध में मधुरता आएगी दाम्पत्य जीवन भी आज आपका पूरी तरह से मैं सुखद देख रहा हूं और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से जी मत चुराइए तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है मिला जुला करके करकर कर्कराश के जातक हर तरह से आज के दिन को बढ़िया ही समझें खान पान पर नियंत्रण रखें मद्यपान मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखें लकी अंक आपके लिए आज सात है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी सिंह की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना गुरु की दृष्टि से दृष्टि यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है आज एक दो बातों का ख्याल अगर आप रख लें तो आज का दिन बड़ा ही शुभ होगा पहला आज विपरीत का अपमान न करें दूसरा खान पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें आज कहीं से शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से सुखद और श्रेष्ठ है बहुत देर तक सोकर उठने की अगर बुरी आदत है तो ऐसा मत करिए नहीं तो पूरा दिन उत्साहहीन या यूं कहे कि निरुत्साह होकर के आपका बीतेगा जोश भरे रहना चाहते हैं तो समय पर उठिए और बाकी सारे काम समय के साथ करिए घर परिवार से जुड़ी अगर कोई परेशानी कोई समस्या कोई उलझन उसको सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है यूं समझ लीजिए एक नई शुरुआत और इस नई शुरुआत का आप आनंद लीजिए संयम के साथ धैर्य के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित जो भी सावधानी है उन सावधानियों को बरतिए दिन बढ़िया है काम काज का आज थोड़ा ज्यादा आपके लिए रहेगा परेशान भी आप हो सकते हैं लेकिन अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटते प्रयत्न करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन भी ठीक है परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जैसा मैंने कहा विपरीत का अपमान नहीं करना है स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज परिवार में किसी की सेहत विशेष करके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना है तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा लकी अंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए आज हरा है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात कन्या की करें तो सकारात्मक होना बहुत जरूरी है आज दिन को अगर कहें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है जो भी परेशानियां थी रुकावटें थी दिक्कतें थी उन्हें आप दूर कर लेंगे उलझनों को स्वयं ही सुलझा लेंगे परिवार का साथ मिलेगा घर के मध्य आज जो समय बीतने वाला है बढ़िया समय बीतने वाला है कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कोई चिंता थी वो चिंता आपकी दूर होगी कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी थी तो किसी उच्च अधिकारी के सहयोग से या साथ के किसी व्यक्ति के सहयोग से आपकी ये समस्या भी दूर होने वाली है खर्च पर नियंत्रण जरूर रखना होगा व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है थोड़ी सावधानी बरतने तो ज्यादा लाभ रहेगा वाणी पर नियंत्रण रखिए और केवल संदेह के आधार पर किसी के साथ अभद्र व्यवहार मत करिए टीका टिप्पणी गलत टीका टिप्पणी मत करिए प्रेम संबंध के लिए दिन आज ठीक आपके लिए दिखाई पड़ रहा है प्रेमी सपने मन की बात आप कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन सुखद जीवन साथी से पूरा सहयोग सम्मान प्यार मिलेगा और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी मन आपका बार बार ध्यान आपका बार बार भटकता रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान या कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है तो जरा सावधान रहिएगा लकी अंक चार है आपके लिए लकी कलर आपके लिए आज पीला भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और तुला की बात करें तो लाभप्रद है आपके लिए दिन अचानक कोई रुका हुआ काम आज बन जाएगा अचानक कोई मेहमान भी आपके घर आने वाला है आज का दिन आपको खुशियां देने वाला है पारिवारिक जीवन में भी सुधार है दिन भर व्यस्तता घर का वातावरण भी व्यस्त रहेगा या यूं कहें कि आनंदमय ही रहेगा तो वहीं आज परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा समय निकलने वाला है शांति के साथ निकलने वाला है बड़े भाई बहनों को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन व्यापार में अगर कोई चिंता कोई समस्या कोई परेशानी थी विशेष करके कोई कानूनी परेशानी थी तो आपको सही मार्गदर्शन मिलने वाला है लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है तुला राशि के जातकों के लिए और दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा जीवन साथी से बातचीत करके कोई समस्या कोई परेशानी थी वो सुलझ जाएगी कोई उलझन थी वो दूर होगी प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपका दिन आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है और विद्यार्थी बस मेहनत से पीछे न हटें तो परिणाम बेहद श्रेष्ठ आई फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज पीला है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और वृश्चिक की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन आज छुट्टी का दिन है लेकिन आप पूरे दिन अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के ही चिंता में लगे रहेंगे और अपने कार्यक्षेत्र के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे फलस्वरूप कोई शुभ समाचार कोई शुभ परिणाम आपके हाथ लगने वाला है कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दिन बढ़िया है सुखद व लाभदायी यात्रा के भी दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है यानी यात्रा कर सकते हैं यात्रा सुखद होने वाली है पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं बात बन जाएगी और नौकरी पैसा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं व्यापारियों के लिए आज का दिन हर प्रकार से सुखद दिखाई पड़ रहा है जो भी आपके अधूरे काम थे उन्हें आप पूरा करिए वो काम पूरा हो जाएंगे और किसी बात को लेकर के अगर मन में घुटन है तो आज अपने मन की बात मन में ही रखिए किसी से कहने लायक नहीं है दिन प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी से प्रेम सहयोग मिलेगा विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी सफलता मिलेगा पढ़ाई में आज मन लगेगा जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो वो लोग जो माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए और किसी तरह के ऑपरेशन से फिलहाल पिछले कुछ दिनों में गुजरे हैं आप तो विशेष रूप से सतर्क रहिएगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा लकी अंक आपके लिए आज नौ है लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी धनु की बात करें तो भाग्य आपके साथ है सोचे हुए काम एक एक करके सभी पूर्ण हो जाएंगे आपका जुझारूपन आपको हर मामले में आज सफल करने वाला है मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे और उसका फल भी बड़ा मीठा आपको मिलने वाला है यूं समझ लीजिए कि अपने काम के लिए जल्द ही आप सबके द्वारा प्रशंसित और पुरस्कृत होंगे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आज छुट्टी के दिन को भी आप अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं व्यापारियों के लिए भी दिन बड़ा शुभ दिखाई पड़ रहा है और यूँ समझ लीजिए कि कुछ बड़े कार्यों का आरंभ या बड़े कार्यों की योजना आपके लिए बनेगी व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन कोई बहुत जरूरी काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था नहीं हो पा रहा था उसे आज आप पूरा कर सकते हैं और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा जीवन साथी से बातचीत करना जीवन साथी की अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत करके दूर करना विद्यार्थियों की बात करूँ तो लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित नहीं दिखाई पड़ रही है फिर भी मां के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा लकी अंक एक है लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात मकर की करें तो मकर राशि के जातकों को आज बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा छुट्टी का दिन घर में भी परेशानी घर में कलह का वातावरण किसी पुरानी बात को लेकर के कुटुंब के मध्य परिवार के मध्य ही आज थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है कोई पुरानी चली आ रही समस्या आज नए सिरे से आपको परेशान कर सकती है कोई बना काम बनता बनता काम अंत में बिगड़ सकता है सुजरा सतर्क रहिए सावधान रहिए सब पर भरोसा मत करिए परिवार के साथ समय व्यतीत करिए और बाहर आज कम ही जाने का प्रयत्न करिए वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहिएगा स्वास्थ्य में परेशानी बुखार सिरदर्द कफजन्य रोगों की भी शिकायत संभव है और व्यापारियों की बात करूं तो मेहनत अधिक लाभ बिल्कुल ना के बराबर दीर्घकालिक योजना ही बना करके बढ़िए आज का दिन ठीक नहीं है प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई परेशानी है तो आज यथावत स्थिति को छोड़ दीजिए आने वाले दिनों में उसको निपटाने का प्रयत्न करेंगे और दांपत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है हो सकता है जीवन साथी को लेकर के डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज मन आपका पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा मन में इधर उधर की बात यानी पढ़ाई को छोड़ करके बाकी चीजों में ही आपका समय जाने वाला है और आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो आपके स्वास्थ्य में तो कोई जो परेशानी मैंने बताई है तो है ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा लकी अंक आपके लिए पांच लकी कलर पर्पल है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी कुंभ की बात करें तो कोई उलझन थी कोई समस्या थी कोई घरेलू समस्या कोई उलझन उसको सुलझाने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए आज जीवन साथी का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा लेकिन किसी भी बात पर जीवन साथी के साथ अभद्र व्यवहार करना जीवन साथी का अपमान करना यह आपके लिए ठीक नहीं होगा परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है जो कि आपके लिए बढ़िया है और पूर्व के किए प्रयास का आपको जल्द फायदा भी मिलने वाला है यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसकी तैयारी कर लीजिए और यात्रा करिए यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है फिजूल खर्ची से बचिए और व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए किसी के साथ भी बहस मत करिए क्रोध करना आज आपको लाभ नहीं नुकसान देगा और जीवन साथी का विशेष सम्मान करिए जीवन साथी का अपमान मत करिए विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में आपका कम लगने वाला है बहुत अच्छा नहीं है दिन विशेष करके कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज मत भरिए और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां सफलता की संभावना कम है आज थोड़ी सुस्ती भी आप पर हावी रह सकती है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात अगर मीन की करें तो आज पूरा दिन आपको व्यस्त रखने वाला है आज आप संबंधों में सुधार करते देखे जा सकते हैं चाहे वो पार्टनरशिप के संबंध में सुधार हो जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार हो संतान के साथ संबंध में सुधार हो और आप सुलझा लेंगे हर उलझन को सुलझा लेंगे किसी से भी आपको मदद की आवश्यकता नहीं कोई समस्या थी उसे आप दूर कर लेंगे किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा धन उधार कर देने के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं और उधार लेना भी नहीं है व्यापारियों की बात करूं तो संभल करके काम करिए धन के मामले में विशेष रूप से सावधान रहिए धन से संबंधित विवाद की संभावना है तो विशेष सावधानी जरूरी है वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा मद्यपान मांसाहार आज आपको नहीं करना है खान पान पर विशेष ध्यान ध्यान देना है क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है कफ जन्य रोगों की संभावना भी बनती दिखाई पड़ रही है इससे भी सावधान रहिए और बात अगर वहीं मीन राशि के विद्यार्थियों की करें तो ज्यादा से ज्यादा मन लगाई पढ़ाई में हालांकि बता दूं कि मन भटकाव में ज्यादा रहेगा इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी तो नहीं होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी थोड़ी थकान थोड़ी पेट में जलन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिख रही हैं लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर हल्का हरा है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार